नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई प्रमुख 10 खबरों पर। तो देश भर में कोरोना के मामले हुए 100 के पार। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हुए, जहां 31 मामले आए सामने। वहीं देश भर में 2 की मृत्यु। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक थिएटर पब किए गए बंद। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो देश में 16 राज्यों के स्कूल कॉलेज बंद। वहीं 7 राज्यों में सिनेमा हॉल भी किए गए बंद। पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई जमीनी सीमाएं भी बंद की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी सार्क देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना के दुष्परिणामों और बचाव पर करेंगे मंथन। अगली खबर का रुख करते हैं। तो ट्रंप ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए कराया अपना मेडिकल टेस्ट। 1-2 दिन में आएगी रिपोर्ट। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना पीड़ित के संपर्क की है आशंका। अगली खबर का रुख करते हैं। तो कोरोना को लेकर देश भर में पूजा पाठ दुआ नमाज का दौर तेज। शाहजहांपुर में भी हो रहा है हवन और पूजन। अगली खबर का रुख करते हैं। तो सोमवार को कमलनाथ सरकार को साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है आदेश। और राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद कमलनाथ सरकार को करना होगा अपना बहुमत साबित। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायकों को जारी की व्हिप, पार्टी का समर्थन करने की कही बात। वहीं कमलनाथ सरकार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बेंगलुरु के विधायकों को भोपाल भेजने की कही बात। रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान सरकार CAA के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के हालात खराब। मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायक राजस्थान में हुए हैं ठहरे। अगली खबर का रुख करते हैं। तो ललितपुर के बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा का विवादित बयान। उन्होंने कहा सिंधिया तो क्या, ओसामा बिन लादेन भी बीजेपी में आए तो कर लेंगे साबिन। रुख करते हैं अगली खबर का। तो कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 6 बेंच में केवल 72 मामलों की करेगा सुनवाई। और अदालत कक्ष में वकील सिर्फ 1 मुवक्किल के साथ हो सकेगा मौजूद। जारी किया गया सर्कुलर। देश दुनिया की खबरों को जानते रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।